हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम आशीष है और इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ड्रिल मशीन जो कि बिल्ड स्किल ब्रांड की है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ड्रिल मशीन है किस तरह की है, ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये कितनी उपयोगी है और किन किन कार्यों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जब भी आपको अपने घर में या दीवार में छेद करना होता है, कोई कील लगानी होती है, कुछ भी आपको टांगने के लिए आप तस्वीर टांग सकते हैं या कुछ भी आपको यूज करना होता है तो उसके लिए आपको छेद करना होता है। लेकिन जब कील के माध्यम से और हथौड़े के माध्यम से करते हैं तो आपको काफी सारी समस्या जाती है। लेकिन उसके लिए मार्केट में उपलब्ध है एक खास इक्विपमेंट जिसे ड्रिल मशीन कहा जाता है और ये हमारे पास में उपलब्ध है और ये जो कंपनी है वो है बिल्ड स्किल। तो जैसे कि फ्रेंड्स जानते हो, वैसे तो मार्केट में ढेर सारे ब्रांड है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ इस ब्रांड के बारे में कि ये जो ब्रांड है इसकी ड्रिल मशीन कितनी कारगर है और ये आपके लिए उपयोगी रहेगी और इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, मैं इसमें अनबॉक्सिंग और रिव्यू के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं आपसे इस वीडियो में। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये है हमारी ड्रिल मशीन और इसको हम करेंगे अनबॉक्स। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए कि ये हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख लें कि ये हमारी है ड्रिल मशीन और इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं और इसके बाद इस बॉक्स में नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख रहे हैं कि यहाँ पर मिला हुआ है कुछ हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी कि एक मैनुअल है और इसके बाद हमारी यहाँ पर ड्रिल मशीन है और इसका जो आगे का जो पार्ट है वो यहाँ पर अलग है, इसको हमें फिट करना होगा। और ये एक ऐसा पार्ट है कि जब हम इसको ज़्यादा यूज करते हैं ड्रिल मशीन को तो यही पार्ट से घिसते हैं, तो इनको हम बाद में यूज कर सकते हैं, इसलिए कंपनी ने एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो इसको हम एक तरफ रखते हैं और यहाँ पर है कीज ताकि हम इसको कस सकें अपने बिट्स के अनुसार। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए कि ये जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया हुआ है ये बिल्ड स्किल कंपनी का है और यहाँ पर आप देखें कि कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए बिल्ड स्किल की ब्रांडिंग है यहाँ पर और आगे यहाँ पर देखिए कि ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे कुछ फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं इस ड्रिल मशीन में, इनको आप गौर करके देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 220x50 Hz और 2600 राउंड पर मिनट 350 वाट की इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है और यहाँ पर 10 mm तक इससे होल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसको फिट कर लेते हैं, इसका जो अगला हिस्सा है। तो यहाँ पर आप देख लें, इसको आपको कुछ इस तरीके से फिट करना होता है। ये फ्रेंड्स हमने इसको फिट कर लिया है और आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं तो कि आप इसको कीज़ के माध्यम से ढीला कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी जो बिट्स हैं उनको बहुत ही आसानी से आप लगा पाएंगे। तो इस तरीके से आपको इनको ओपन करना होगा। यहाँ फ्रेंड्स देखें कि मैंने देखा है कि जितने भी लोग ड्रिल मशीन यूज करते हैं तो उनमें कुछ खास समस्याएं आती हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि उनके साथ में जो कॉर्ड आती है वो काफ़ी घटिया क्वालिटी की होती है और वो तुरंत टूट फट जाती है। कई बार मैंने देखा है कि उनके तार निकले हुए रहते हैं और यहाँ तक कि तो मैंने कई बार ये भी देखा है कि लोग दूसरी केबल को यहाँ से कनेक्ट करके रंग बिरंगी कनेक्ट कर लेते हैं और उससे जो ड्रिल मशीन है देखने में काफ़ी भद्दी लगती है। लेकिन इसके साथ में अगर जो आप कॉर्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, काफ़ी सॉफ्ट कॉर्ड यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है जो कि काफ़ी चलेगी और ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स की को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे एक इस तरह का रबड़ का दिया गया है ताकि यहाँ पे फंसा के रख सकें और आपकी जो कीज है वो खोए नहीं। अगली यहाँ पर फ्रेंड्स बात अगर आप यहाँ पर करें तो समस्या जाती है वेंटिलेशन की। कई जो ड्रिल मशीन रहते हैं उनमें वेंटिलेशन की जो जगह होती है वो कम होती है, लेकिन यहाँ पर देखें यहाँ पर वेंटिलेशन दिया गया है और यहाँ पर भी वेंटिलेशन प्रोवाइड कराया गया है। इस तरीके से आप यहाँ पर बीचों बीच देखें तो काफ़ी जगह है और यदि आप इसको ज़्यादा यूज करते हैं तो इसके गर्म होने के चांस कम रहते हैं।
आगे की बात करें तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है आपको लॉकिंग बटन, यानी कि इसको आप लॉक कर सकते हैं बटन दबा के, ताकि इसके बच्चे, आपके जो बच्चे हैं वो इसको यूज ना करें और ये एक तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं आपके बच्चों के लिए, यानी किसी तरह की कोई चोट ना पहुँचे। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मशीन है इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं है, 6 मंथ्स की वारंटी आपको उपलब्ध होती है और 6 मंथ्स तक इसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है। लेकिन अगर कुछ ख़राब होता है, खासतौर पर मोटर ख़राब होने की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि बहुत कम ही यूज की जाती है, ज़्यादा कोई यूज करता नहीं है, इसलिए मोटर काफ़ी चलता है। लेकिन अगर इसमें कोई खराबी भी आती है तो इतने सारे यहाँ पे बोर्ड्स दिए गए हैं, उनको आप खुद मैनुअली ओपन करके जो केबल वगैरह है वो कनेक्ट कर सकते हैं, डीजल वगैरह जाती है, हालांकि ऐसी कोई संभावना नहीं है। जैसा मैंने बताया कि 6 मंथ्स की वारंटी है। आगे से यहाँ पर देखिए, ये पूरा प्लास्टिक है और आगे का यहाँ पर पूरा का पूरा मेटल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप बेड से अपने मर्जी से जब आप इसको परचेज करते हैं तो अलग से खरीद सकते हैं, अगर आपको पता नहीं हो तो। इसके साथ में आपको बेड्स कंपनी उपलब्ध नहीं कराती है, ये थोड़ा मुझे कमी लगी, जबकि कुछ तो उपलब्ध कराने चाहिए, लेकिन नहीं है तो आप अलग से मंगा सकते हैं। उससे अलग से मंगाएंगे तो काफ़ी सारे बेड्स आपको मिल जाते हैं और अनेक तरह से उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बिल्ड स्किल की यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पर फ्रेंड्स देखें कि यही प्रोडक्ट है और यही इसमें खासियत है। एक और अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक कौन सा आप देख सकते हैं कि जब आप इसको यूज करेंगे तो ये जो बटन है ये एक तरीके से ही दबता है, यानी कि आप इसको थोड़ा दबाइए चाहे पूरा दबाइए, मशीन आपकी पूरी क्षमता के साथ ही स्टार्ट होगी, यानी कि फुल स्पीड में रन करती है और ये थोड़ा समस्या हो जाती है। लेकिन ये जो मशीन है, मैंने आपको बताया कि यदि आप दीवार में छेद करना चाहते हैं, लकड़ी में छेद करना चाहते हैं या किसी लोहे में छेद करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी है। और अगर और भी यूज हैं आपके, जैसे आप बोल्ट कसना चाहते हैं और उनको खोलना भी चाहते हैं, तो इसी कंपनी के बिल्ड स्किल के जो दूसरा वेरिएंट है, रिवर्सिबल ड्रिल मशीन, उसको परचेज कर सकते हैं, या हैमर ड्रिल मशीन, उसको परचेज कर सकते हैं। सभी तरह के ड्रिल मशीन है, लेकिन ये जो वेरिएंट है ये सबसे सस्ता वाला है। इसके अलावा इसमें कोई खास रॉकेट साइंस होता नहीं है, ड्रिल मशीन है, सिंपल सी है, इसको कनेक्ट करना है और सीधे इसको बटन दबाना है तो आपकी जो मशीन है चलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर इसको खोल के आपको बिट्स लगा देने हैं जैसा भी आपको चाहिए है और यूज करना स्टार्ट कर देना है। आपने कभी यूज किया हो या ना यूज किया हो, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपके हाथ में आगे इसे के जितने भी पैतरे होते हैं सब आपको मालूम पड़ जाते हैं। अगर ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो अभी आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं और इसको यूज करना स्टार्ट कर दें। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अमेजॉन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर फ्लिपकार्ट, कहीं पर भी हर जगह आपको ये उपलब्ध हो जाएगा, टाइम टाइम पर काफ़ी डिस्काउंट भी उपलब्ध हो जाता है। तो फ्रेंड्स यही है जानकारी इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये फ्रेंड्स आप देखिए कि ये जो मशीन है ये एकदम सिंपल वाला वेरिएंट है और बिल्ड स्केल, रिवर्सिबल और हैमर ड्रिल मशीन भी बनाती है। यदि आप और भी बेहतर वाली ड्रिल मशीन खरीदना चाहते हैं तो उन वेरिएंट्स को खरीदिए। अगर आपका सिंपल यूज है तो इसको आप ले सकते हैं, काफ़ी सस्ती है, लगभग 1000 रुपये से कम में टाइम टू टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। अमेजोन में जाके चेक कर सकते हैं, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है buildskill.com, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं वर्तमान में इसका प्राइस क्या है और इनको ऑनलाइन मंगा सकते हैं कहीं पर भी घर बैठे। तो ये फ्रेंड्स जानकारी है इस मशीन के बारे में। जैसा मैं, यदि आप इनके जो दूसरे वेरियंट है, खासकर रिवर्सिबल जो ड्रिल मशीन है और जो हैमर ड्रिल मशीन है, उनकी भी वीडियोज लेकर आऊँगा और आपको रिव्यू करके उसकी क्वालिटी और वो प्रोडक्ट्स आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये सभी चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दें। फ्रेंड्स यही जानकारी है इस वीडियो में, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ इसको चला के। तो ये फ्रेंड्स जब आप इसको चलाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि एक हाथ से आप इसको आसानी से चला सकते हैं, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। जब आप इसको यूज करते हैं तो हल्का सा एक झटका लगता है। और इस बात को फ्रेंड्स आपको कि जब आप इसको यूज करते हैं तो जब इसका ये जो ट्रिगर है इसको दबाते हैं तो ये अपने फुल स्पीड में चलती है, जबकि जो दूसरे वेरिएंट है उसको थोड़ा दबाएंगे तो धीमी चलेगी और जब उसको फुल दबाएंगे तो पूरी स्पीड में चलती है, लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं है। तो ये आप कमी इस प्रोडक्ट में समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको दीवार में छेद करना है तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इस मशीन के साथ में नहीं आती है। इसको आप बिना किसी संदेह, बिना कुछ जाँच पड़ताल किए आप परचेज कर सकते हैं। ये काफ़ी कारगर प्रोडक्ट है, काफ़ी छोटा है, काफ़ी सस्ता है और इसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ड्रिल मशीन आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर जरूर करिए। अगर आपको ये अच्छी लगती है और आपको ऐसा लगता है कि हमें सिंपल वाली ड्रिल मशीन चाहिए है
तो आप नीचे दिए गए लिंक से जाके चेक कर सकते हैं इसका प्राइस क्या है, और यदि खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।